और इसी बीच एक बड़ी खबर, जेपी नड्डा फिलहाल बने रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी, सितंबर तक पूरी हो सकती है अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तक नड्डा मंत्रालय के साथ साथ पार्टी का काम भी देखते रहेंगे। विनीत कुमार संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, बताया जा रहा था कि जल्द ही कार्यकाल खत्म होने जा रहा है जेपी नड्डा का और दोबारा से चुनाव होगा, फिर बीजेपी के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि अभी फिलहाल जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष रहेंगे। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और जो बीजेपी की टेक्निकलिटी है उसके अनुसार जो है वो जेपी नड्डा जो है वो सितंबर तक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बने रह सकते हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि इसमें एक बड़ा अपडेट यह है कि भले ही जेपी नड्डा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, लेकिन उनके साथ जो है 30 तारीख के पहले किसी न किसी व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया जा सकता है। जब हमारी बीजेपी के लोगों से बात हुई तब उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो चुकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसकी हालांकि मनोनयन जो है वो जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो जिस तरह की संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत में जो है जो सदस्यता अभियान है, सदस्यता अभियान चलाया जाना होता है। उसके साथ ही साथ फिर अगर हम बात करें राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होती है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो इसी टेक्निकलिटी के कारण जो है पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और ऐसे में थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा चुनाव का और बाकी जगहों पर भी बदलाव हो सकते हैं संगठन में, ऐसा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए।